मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आज रामलीला मैदान में इस इंडिया गठबंधन के शंखनाद को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री को मेरठ भाग करके जाना पड़ा है। आज प्रधानमंत्री को लगता है कि आज का शंखनाद, आज की आवाज पूरे देश में ना गूंजे, आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने भी मेरठ में रैली रखी है। हमें इस बात की खुशी है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लड़ाई आज पूरे देश के अंदर, पिछले दिनों लोग पूछते थे, पिछले साल, पिछले पांच साल पहले जब लोकसभा का चुनाव था कि इंडिया गठबंधन तो नहीं था उस समय, लोग कहते थे भाजपा का विकल्प क्या है, नरेंद्र मोदी का विकल्प क्या है, एनडीए का विकल्प क्या है। आज पूरे देश के कोने कोने, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, असम से लेकर के गुजरात तक, चारों तरफ और आज रामलीला मैदान में एक ही शंखनाद करके पूरा देश इकट्ठा हुआ है, एनडीए का विकल्प। इंडिया तैयार है तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी तानाशाही का मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए, लोकतंत्र के हत्या का मुकाबला करने के लिए। कई लोग पूछते हैं कि आखिर ये विपक्ष के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार करते हो, क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? देश जानता है, आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लॉबी का जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से, इस 60 करोड़ रुपए का हिसाब कब दोगे? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? अभी कल हमने देखा एनडीए में राघव मुंगटा के पिता को कैंडिडेट बना दिया, सारे बेईमानों को चुन चुन करके जिस पर आरोप लगाते थे उनको गिरफ्तार कर लिए, और उसके बाद तुमने पैसा ले लेकर के जमानत दिलवा दी, और आज पूछते हो कि कौन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। आज देश इसी मुहाने पर खड़ा है। अगर ये लोकसभा का चुनाव बीत गया, फिर इस देश की तस्वीर और इस देश की तस्वीर का आकलन करना आज मुश्किल है। इसलिए इस रामलीला मैदान में जितने देश के बेटे बेटियां आए हैं, जितने देशभक्त आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये करो या मरो का वक्त है। अगला 2 महीना अपने नौकरी से छुट्टी लो, अपने काम से छुट्टी लो, 2 महीने लोकतांत्रिक आंदोलन का समय है, 2 महीना क्रांति का समय है। ये देश में लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, याद करो तात्या टोपे को, अजीमुल्ला खां को, याद करो बहादुर शाह जफर को, याद करो बेगम हजरत महत रानी लक्ष्मी बाई को, याद करो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, याद करो महात्मा गांधी, अम्बेडकर, फूले को, जिनकी कुर्बानी के दम पर यह देश आजाद हुआ है। आज अगर हम चुप रह गए, आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेगी। जब देश तानाशाही की नई गुलामी में जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। आज सारे लोकतंत्र की संस्थाओं को ध्वस्त करने का अभियान चल रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में धीरे धीरे सभी प्रमुख नेता आ रहे हैं, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस तानाशाही का लोग पूछ रहे हैं, इस तानाशाही का समाधान क्या है? आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तानाशाही का एक ही समाधान है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओ। अपने अपने इसराइली के बाद घरों में जाना, पूरे देश में जाना, अपने अपने घरों में जाकर के एक रजिस्टर खरीद लेना, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की लिस्ट बनाना शुरू करो, और सबको इस बात के लिए तैयार करो, इस बार ऐतिहासिक मतदान करवाएंगे, तानाशाही को हरवाएंगे,
और इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है लोकतंत्र, उसको हम बचाएंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पूरे दिल्ली से पूरे देश से यहाँ पर आए, पुनः मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूँ और इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज अरविंद केजरीवाल के इस लड़ाई में उनका आशीर्वाद और उनका समर्थन हमारे साथ है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।